नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये है फ्री डिश की सप्लाई। तो आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं बैटरी चार्जर। तो दोस्तों इस बैटरी चार्जर से आप 4 वोल्टेज की या 6 वोल्टेज की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें है 909 ट्रांसफार्मर, तो इसी से दोस्तों चार्ज करना है। चलिए दोस्तों इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए चाहिए 2 डायोड। चाहे दोस्तों फ्री डिश की सप्लाई से आपको निकालना है, चाहे आप बाज़ार से मोल लेकर आएँ, या फिर मोबाइल चार्जर में भी लगे होते हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। इससे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें से 2 डायोड चाहिए हैं, 2 डायोड 4007 नंबर। तो इस तरह से दोस्तों 2 डायोड इसमें से निकाल लेने हैं बारी बारी करके। देखिए एक डायोड निकाल लिया है, एक और निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों 2 डायोड हैं वो निकाल लिए हैं। अब दोस्तों करना क्या है आपको, देखिए दोस्तों ये हैं 2 डायोड 4007 नंबर के। अब दोस्तों इसमें करना क्या है कि इसमें एक तरफ पट्टी बनी होती है और एक तरफ पट्टी नहीं बनी होती है। तो जिस तरफ पट्टी बनी होती है उस तरफ दोनों डायोड को आपस में उमेट लेना है। इस तरह से दोनों डायोड को उमेट लेना है बारी बारी से। देखिए इस तरह से प्लास की मदद से इसको उमेट लेना है। देखिए इसको अच्छी तरह से उमेट लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है, देखिए डायोड में जिस तरफ पट्टी नहीं बनी, मतलब इस छोर में दोनों छोर में जो 909 ट्रांसफार्मर है उसकी हरी वायर मतलब 2 वायर हैं, तो दोनों वायर डायोड के दोनों छोर में लगा देना जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई है। क्योंकि जिस तरफ दोनों तरफ पट्टी बनी हुई थी उस तरफ तो पहले जोड़ दिया था, जिस तरफ नहीं जोड़ा हुआ है उन्हीं दोनों डायोडों में ये वायर लगा देना है। देखिए दोनों वायर को बारी बारी से लगा देना है इस तरह से। देखिए दोनों बारी बारी से इस तरह से उमेट लिए, एक वायर लगा लिए, दूसरी वायर भी इसी तरह से लगा लेते हैं। देखिए दोनों वायर हैं वो लगा लिए हैं, जो वायर लगाए हुए हैं इनको सोल्ड कर लेते हैं काजिया की मदद से इस तरह से, जो कि वायर हैं वो छूटे ना। देखिए इस तरह से दोनों वायर हैं वो सोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों इसमें लगाना है चार्जिंग लीड। देखिए इस लीड को इसमें फिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों जो सफ़ेद वायर है बीच वाला वायर 909 के, तो ये लगाना है माइनस की पिन में इस तरह से। और ये जो लाल वायर है, देखिए लाल वायर वो दोस्तों लगाना है डायोड के जिस तरफ पट्टी बनी हुई थी उमेटा हुआ था उसी छोर में इसको लगा देना। देखिए इस वाले छोर में इसको लगा देते हैं। देखिए इसको भी लगा दिया है। तो अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले जो 909 में मेन वायर है, मेन लीड अलग से लगा लेते हैं। देखिए मेन लीड अलग से लगा दी है जिससे कि बिजली में इसको लगा सकें। उसके बाद में इसको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मेन लीड को लगा देते हैं बिजली के बोर्ड में। तो देखिए इसको बिजली के बोर्ड में लगा दिया है। चलिए अब इसको लाइट चार्ज करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये है चार्जिंग लाइट। तो इसको जैसे ही इसमें लगाएंगे तो देखिए ये चार्ज होने लगी है। देखिए दोस्तों ये चार्ज होने लगी है। देखिए इस चार्जर से दोस्तों आप देखिए आधा एम्पियर की बैटरी से लेकर के देखिए ये 1 एम्पियर की बैटरी या फिर 1.5 एम्पियर की बैटरी या फिर इससे भी बड़ी दोस्तों 4 एम्पियर की बैटरी जो कि 4 वोल्टेज 4 एम्पियर की, और उससे भी बड़ी दोस्तों 6 एम्पियर की बैटरी। देखिए दोस्तों इतनी बड़ी ये भी दोस्तों इससे चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब इस चार्जर से आप आधा एम्पियर बैटरी से और 6 वोल्टेज की बैटरी तक आप चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।